अगर माइनक्राफ्ट में मॉड नहीं होता तो माइनक्राफ्ट का क्या होता? क्यों हमारे माइनक्राफ्ट में मॉड के यूजेस बढ़ गए? क्यों अब ज्यादा प्लेयर्स को मजा नहीं आ रहा है? क्या माइनक्राफ्ट की रीच गिरती जा रही है? सो हेलो गाइस, मैं हूं आयुष, आप देख रहे हैं आयुष प्रस्तुत गेमर्स। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम इन्हीं चीजों को जानने वाले हैं कि क्यों हमारा माइनक्राफ्ट में मॉड्स की यूजेस बढ़ गई है और क्यों अब हमें माइनक्राफ्ट में मॉड्स के साथ ही मजा आता है। इन चीजों को जानने से पहले हमें थोड़ा सा माइनक्राफ्ट के बारे में भी जानना होगा, थोड़े से पास्ट के रिलेटेड हमें बात करनी होगी। तो उसके पास्ट को देखते हुए हम शुरू करने वाले हैं। आपको पता है माइनक्राफ्ट को मोजैंग स्टूडियोज ने डेवलप कराया है और मोजैंग स्टूडियोज ही अब उसके रेगुलर अपडेट्स आती है। मोजैंग स्टूडियोज था पहले नॉच का और नॉच ने उसे बेच दिया, लाइक अभी माइक्रोसॉफ्ट चला रहा है। नॉच ने माइनक्राफ्ट को डेवलप कराया और अभी मोजैंग स्टूडियोज ही चला रही है और इस वजह से अब हमारे माइनक्राफ्ट का लाइक पहले तो मोजैंग ने इतना क्रिएटर था वो बंदा और लाइक उसने इतने एपिक गेम बनाया, लेकिन अब लोगों को क्या हो रहा है कि लाइक माइनक्राफ्ट का अपडेट्स तो आ रहे हैं लेकिन थोड़ा सा केव एंड क्लिफ्स के अपडेट्स वगैरह के बाद से माइनक्राफ्ट थोड़ा सा डाउन जा रहा है और इस वजह से थोड़ा सा माइनक्राफ्ट गिरता जा रहा है। माइनक्राफ्ट की मेन हाइप अप स्टार्ट हुई थी लॉकडाउन के टाइम में, आपको पता होगा लाइक 2020 या 22-23 के आसपास। तो उस वक्त से माइनक्राफ्ट बहुत हाइप में था। उस वक्त के टाइम पे माइनक्राफ्ट का गोल्डन पीरियड चल रहा था और माइनक्राफ्ट बहुत लोग खेल रहे थे। आपको पता है ट्रिगर्ड इंसान, बिस्ट बॉय, शुभ, मिथ, पैट सब माइनक्राफ्ट खेल रहे थे। सारे बंदे माइनक्राफ्ट में खेल रहे थे, सारे बंदों को माइनक्राफ्ट में मजा आ रहा था। फिर माइनक्राफ्ट में मॉड्स ऐड होने शुरू हुए। माइनक्राफ्ट में हम मॉड्स ऐड करना सीखे, उसके बाद हमने माइनक्राफ्ट में अलग अलग मॉड्स को इंस्टॉल करके गेम को और इंटरेस्टिंग बनाया। ऐसे करके लोग माइनक्राफ्ट में मॉड्स का यूजेस लाने लगे गेम में, थोड़ा माइनक्राफ्ट में मॉड्स आने लगा और इस वजह से काफ़ी सारे मॉड्स भी बनते हैं। आपको पता है अभी के टाइम में भी बहुत सारे मॉड्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, इंटरनेट में भरे पड़े हैं मॉड्स। गूगल, अगर आप गूगल यूज़ करते हो गूगल में देखो, आप कहीं पे भी माइनक्राफ्ट, आपके पास जावा है, पॉकेट, आप किसी भी माइनक्राफ्ट वर्जन में मॉड लगा सकते हो, आपको पता होगा। सो हमारा इस माइनक्राफ्ट को इतने मॉड्स की ज़रूरत क्यों पड़ने लगी? देखो मैं आपको ढंग से बताता हूँ। माइनक्राफ्ट के स्टार्टिंग में जब हम यूज़ मतलब माइनक्राफ्ट खेलते थे तब हम ज़्यादा से ज़्यादा एंडर ड्रैगन वगैरह को मार देते थे। उसके बाद क्या होता था, हम बिल्ड वगैरह बनाते थे उससे ज़्यादा, उसके बाद और ग्राइंडिंग करके थोड़ा नेदराइट वगैरह का बोलते टूल्स वगैरह आर्मर वगैरह बनाते थे। वो सब चीज़ों में हम बिजी रहते थे, उसमें काफ़ी टाइम, वो टाइम कंज्यूमिंग भी है। लेकिन जब से माइनक्राफ्ट में स्पीड रन का ट्रेंड आया, आपको पता है ड्रीम स्पीड रन करता था और भी कई सारे फॉरनर यूट्यूबर्स पहले स्पीड रन लाए, उसके बाद मैनहंट आया, इतना कुछ ट्रेंड में चलने लगा। माइनक्राफ्ट का बहुत अच्छा टाइम चल रहा था जब माइनक्राफ्ट में मैन हंट और स्पीड रनिंग बहुत पॉपुलर हो रही थी। लोग धीरे धीरे माइनक्राफ्ट को सीखने लगे और धीरे धीरे बहुत सारे प्रो प्लेयर्स भी इसमें देखने को मिलने लगे। माइनक्राफ्ट में बहुत सारे लोगों ने माइनक्राफ्ट को इतने अच्छे से खेला सीख गए कि भाई मतलब उनके लिए एंडर ड्रैगन को बीट करना बहुत ईजी हो गया था, जो कि सही नहीं था गेम के लिए। आप बोलोगे क्यों सही नहीं था, गेम तो लोग सीख रहे हैं ना, गेम उनमें वो प्रो हो रहे। देखो माइनक्राफ्ट, अगर तुम किसी एक काम को एक बार करते हो, दो बार करते हो, तीन बार करते हो, उसके बाद मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद अगर करने लगोगे और ज़्यादा रिपीटिंग हो जाता है ना वो, तो उससे मज़ा धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। अब लोगों को एंडर ड्रैगन वगैरह को बीट करने में इंटरेस्ट है ही नहीं। अब लोगों को तुम देखोगे बहुत कम स्पीड रन देखने को मिलता है, बहुत कम मैनहंट देखने को मिलता है। लेकिन आपको पता होगा स्मार्टी पाई भाई भी बहुत कम मैनहंट करने लगे और अब जब भी उनका मैनहंट आता है बहुत रेयरली आता है, इसलिए वो मैनहंट अच्छा रिस्पॉन्स भी करता है क्योंकि वो जानते थे। देखो स्मार्टी भाई ने बहुत अच्छा खेल खेला लाइक, और बाकी यूट्यूबर्स ने भी यही करा कि देखो मैनहंट बहुत धीरे धीरे वो लाइक रिपीटिंग हो रहा था मैनहंट और स्पीड रनिंग, तो उसको क्या किया लोगों ने, थोड़ा रेयर करना शुरू कर दिया। लाइक उसकी धीरे धीरे हाइप क्रिएट होती थी जब भी उसकी वीडियो आती थी, बहुत कम वीडियोज आती थी अब उनकी वीडियोज़ बहुत कम कर दी यूट्यूबर्स ने, और इस वजह से थोड़ा धीरे धीरे करके उनका भी ट्रेंड जाने लगा। अब लोगों को ज़्यादा माइनक्राफ्ट में वो सब पसंद नहीं आता है, अब लोग स्पेशली आपस में पीवीपी वगैरह करना ज़्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से माइनक्राफ्ट में मॉड्स का यूजेस बढ़ गया। लेकिन माइनक्राफ्ट में काफ़ी सारे ऐसे मॉड थे, जैसे कि अगर तुम्हें पीवीपी वगैरह पसंद है, लाइक फाइटिंग पसंद है, तो तुम्हें पावर वाले मॉड्स मिलते थे या फिर टूल्स वाले मॉड मिलते थे जिसमें कि तुम्हारे पास बहुत खतरनाक टूल्स आ जाएंगे, उन मॉड्स का इस्तेमाल किया गया था गेम में। फिर अपना लाइफ स्टील भी आया, फिर उसके बाद हार्डकोर सर्वर्स भी चलने लगे थे, सीरीज इतना कुछ चल ही रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि गेम में अब जो नॉर्मल प्लेयर्स थे, देखो कंटेंट क्रिएटर्स तो बनाएंगे, उनको मज़ा आएगा, वो बना रहे अपना कंटेंट ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके उनका मज़ा कम हो रहा था, इसलिए वो लोग अब उस चीज़ को भी कम कर दिए, जो कंटेंट क्रिएटर्स थे उसको भी कम कर दिए ऑडियंस की डिमांड को देखते हुए। इस वजह से अब उनको वो वीडियोस ज़्यादा ला नहीं रहे, उनको रेयर कर दिए, और अब क्या हो रहा है कि गेम में थोड़े मॉड के यूजेस भी बढ़ गए। अब लोग ज़्यादातर फिर धीरे धीरे करके
कि सर्वर्स का ट्रेंड चलने लगा, उसके बाद लोग उसमें सर्वर्स में खेलने लगे। सर्वर्स में जैसे बैड वार्स हो गया, स्काई वार्स हो गया, स्काई पीवीपी हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। इन चीज़ों में भी लोगों का इंटरेस्ट आने लग गया था, लोग यही सब खेल रहे थे। लेकिन उसके बाद जाके अब क्या हुआ मैं बताता हूँ। देखो लोग अब जैसे अब तो कुछ रहा नहीं, अब लोगों के लिए वो चीज़ें भी नॉर्मल हो गई। बैड वार्स वगैरह मानता हूँ, अभी भी बैड वार्स वगैरह बहुत लोग खेलते हैं, बहुत लोगों का फेवरेट है। बैड वार्स, स्काई वार्स, स्काई पीवीपी, ये सब चीज़ें लोगों के बहुत फेवरेट है। लेकिन अभी वो बहुत रिपीटिंग हो गया, इसलिए माइनक्राफ्ट में मॉड्स यूज़ होते हैं। और इसी वजह से माइनक्राफ्ट अगर तुम्हें फ्रीली मॉड यूज़ करने की पावर देता है, तुम्हें कैपेबिलिटी है कि तुम जैसे चाहो वैसे मॉड्स ऐड कर सकते हो गेम में, इस वजह से माइनक्राफ्ट इतने टाइम तक चल रहा है। अभी भी माइनक्राफ्ट चल रहा है क्योंकि अलग अलग मॉड्स बनते हैं, तुमने ऐसे ऐसे मॉड अभी भी नहीं देखे होंगे, इस वजह से माइनक्राफ्ट इतना चल रहा है। आपको पता होगा माइनक्राफ्ट के पहले टाइम में उतना मॉड का यूजेस नहीं होता था स्टार्टिंग के टाइम में, लेकिन अभी मॉड और बहुत सारे क्रिएटर्स आ गए जो मॉड्स बनाते हैं और वो मॉड्स अपना गूगल वगैरह पे अपलोड करते हैं, तो तुम वहाँ से जाके मॉड्स को इंस्टॉल करते हो और तुम उनको खेलते हो, मज़ा आता है। नए मॉड्स भी आने लगे और इस वजह से मॉड्स और ज़्यादा पॉपुलर हो गए। लेकिन अगर गेम में मॉड्स नहीं होता तो माइनक्राफ्ट मुझे नहीं लगता कि अभी तक माइनक्राफ्ट का नामो निशान भी होता। तो गाइस यहीं तक हमारा वीडियो था, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।